हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत स्पेशल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला, राइट? अगर आप गांव से देख रहे हो, शहर से देख रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ पैसे कमाना चाहते हो, या फिर आप इन काम को फुल टाइम भी कर सकते हो, इतना इन कामों में पोटेंशियल है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो है ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में मैं अगर कहूं कि आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है ना, तो भी यहां पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग साथ 8,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जॉब्स नहीं है। ये एक हार्श रियलिटी है इंडिया की, और इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप देखोगे कि आने वाले साल में इंडिया जो है चाइना को भी ओवरटेक कर देगा। 135 करोड़ तो हम हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी आ रही है। सब जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना उनको झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल भी जाती है, तो भी उस जॉब के पैसों से आपका घर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चलता होगा, ये मुझे पता है, राइट? तो ऐसे में बहुत हाई टाइम है अभी आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो दोस्तों, वरना आप यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उतनी सैलरीज नहीं मिल पाती जितनी आप लोगों को चाहिए होती है। तो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करने से अच्छा खुद यहाँ पे कदम उठा लो, तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो यहाँ पे गांव में वर्क नहीं करेंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो दोनों तरफ वर्क करेंगे, गांव और शहर दोनों में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई वीडियो देखने से ही सब कुछ हो जाता है, वो यहाँ से निकल जाए, ऐसे लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ कि हमारे वीडियोज ना देखा करें। क्योंकि नॉलेज आपको कितनी भी मैं दे दूँ, अगर आप काम नहीं करोगे दोस्तों, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ सोचना या फिर आइडिया लेना बंद करो, ये वीडियो को देखने के बाद काम करना शुरू कर देना। एक गारंटी देता हूँ, प्रॉफिट में जरूर रहोगे। मुझे नहीं पता आप कितने पैसे कमाओगे। हो सकता है आप 5,000 रुपये महीना कमा लो, हो सकता है आप 50,000 भी कमा लो, क्योंकि जितने भी काम बता रहा हूँ उसमें ये सारा पोटेंशियल है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, पहली बार चैनल पर आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि ऐसे ही जब भी मैं लेके आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर में मैं रखना चाहूंगा वेडिंग प्लानर्स को। अभी अगर आप लोग शहरों में रहते हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहते हो, तो वेडिंग प्लानर का जो बिजनेस है आप लोगों के लिए बहुत बूम में हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है। शुरू कैसे करना है कि आपको यहाँ पे इश्तेहार छपवाने हैं कि भाई आप जो है वेडिंग अरेंज करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो है सरदर्दी नहीं लेना चाहते कि हलवाई कहाँ से आएगा, टेंट वाला कहाँ से आएगा। तो ये सारे कि आप लोगों को नेटवर्किंग करनी है कि भाई आप एक हलवाई से मिलके आ गए, 3-4 हलवाई का आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, टेंट वालों के नंबर हो गए, फूल वालों के नंबर हो गए। कहने का पॉइंट है, जितनी भी शादी में चीज़ें चाहिए होती है, आपको अगर ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर लेते हो और आप यहाँ पे अपना इश्तेहार वगैरह छपवा देते हो, लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में पैम्पलेट बंटवा देते हो कि आप यहाँ पे वेडिंग अरेंज करवाते हो बहुत ही कम रेट में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पास जो है यहाँ पे ग्राहक आने लग जाएंगे। और आपको क्या करना है, आप उनसे हाफ पेमेंट ले लो, जब आपका हाफ काम हो जाए तो फुल पेमेंट ले लो जो आधी बची है आपकी। तो इससे आपके पॉकेट से कुछ भी पैसा नहीं जा रहा, आपको सिर्फ मैनेजमेंट का काम संभालना है। और यहाँ पे आप बहुत ही कम पैसों में, या फिर मैं जैसा बता रहा हूँ ना कि क्योंकि सारी पेमेंट तो आपको सामने वाली पार्टी दे देगी, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बिजनेस बहुत अच्छा रह सकता है, आप किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप 18 के हो, 20 के हो, ग्रेजुएशन कर रखी है, नहीं कर रखी है, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, राइट? अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम गांव में रहते हैं, ये बिजनेस गांव में नहीं चलेगा अभी, तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो देखते रहो, आपके लिए भी काम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा रियल एस्टेट एजेंट्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स है। अभी इनका काम तो गांव और शहरों में दोनों ही चलता है। अगर आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आप इस काम को कर सकते हो। भाई इसमें होता क्या है दोस्तों, कि जो प्रॉपर्टी एजेंट होता है ना, वो दोनों तरफ से प्रॉफिट लेता है। प्रॉपर्टी एजेंट ने जिसको यहाँ पे मकान दिलवाया, या फिर कोई दुकान दिलवाई, या कोई भी जगह दिलवाई, तो उससे तो प्रॉफिट लेगा ही लेगा, साथ ही साथ जिसकी दुकान है उससे भी कमीशन ले लेगा, तो डबल मुनाफा है उसका।
तो ये काम जो है दोस्तों सभी जगह चलता है। और मैं आप लोगों को मोटी मोटी अंदर की बात बताऊं तो अगर कोई यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ज़्यादातर वो 1% या 2% का काम करते हैं जब वो मकान बिकवाते हैं, और यहाँ पे अगर कोई किराया विराया का लगाते हैं तो वो 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी कि 10,000 का आपने किसी का मकान यहाँ पे दिलवा दिया तो 1,000 रुपये आप जिसको दिलवाया उससे लेंगे और 1,000 रुपये उससे भी लेंगे जिसका आपने मकान यू नो किराए पर चढ़वाया है, तो डबल प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। लेट्स से अगर आप यहाँ पे 5-7 मकान भी एक महीने में करवा देते हो तो 10,000-20,000-50,000 रुपये करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये भी एक जीरो इन्वेस्टमेंट वाला बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है आप लोगों के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा कोचिंग क्लासेस को। ये बिजनेस भी गाँवों और शहरों में दोनों ही वर्क कर सकता है। आज की डेट में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है हम सभी को पता है, और ज़्यादातर जो इंडिया है वो गाँवों में ही रहता है और गाँवों की स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को यहाँ पे किसी कोचिंग क्लास में डाल दें जिससे उसकी अच्छी पढ़ाई हो सके। तो आप या तो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो कि भाई आप लोगों के घर जाके होम ट्यूशंस वगैरह दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर सकते हो। कोचिंग क्लासेस के लिए भी कोई करोड़ों रुपए नहीं लगता। आप लोगों ने एक रूम लेना है, रूम में थोड़े से 4-5 बेंचेस लगा दो, आपका यहाँ पे काम शुरू हो गया, राइट। कमाने की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को बताओगे, पहुँच पे आओगे, तो आपके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, चौथे नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा टेलरिंग का बिज़नेस। अभी टेलरिंग का बिज़नेस उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनको टेलरिंग आती है, और उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनको टेलरिंग नहीं आती। अभी सुन लो ये चीज़ें काम कैसे करेंगी। अगर आपको यहाँ पे टेलरिंग का काम आता है तो आप यहाँ पे कोई छोटी मोटी शॉप ले सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, मशीन ही है सिर्फ टेलर वाली, तो यहाँ आप ऑल्टरेशन का बिज़नेस कर सकते हैं। ऑल्टरेशन वाले टेलर्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। एक पैंट छोटी करने के ना हाइट उसकी छोटी करने के भी 50-60 रुपए लेते हैं ये लोग। तो अगर आपको यहाँ पे किसी चलते मार्केट में कोई यहाँ पे जगह मिल जाए वहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे आप दुकान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों, कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, जीरो इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे आप महीने के 30-40,000 रुपए आसानी से कर सकते हो। ये शहरों गाँवों में सब जगह चल सकता है। गाँव में अगर ज़्यादातर लोगों को टेलर या गाँव में ज़्यादातर लोगों को सिलाई आती है तो ये टायर 3 टायर 4 सिटीज, तो ये जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में तो चल ही सकता है आराम से, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई जिनको यहाँ पे टेलरिंग का काम नहीं आता वो कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जिसको टेलरिंग का काम आता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है, जिसको सिर्फ यहाँ पे स्किल्स आती है, वो चीज़ करनी आती है, उनको यहाँ पे काम करवा सकते हो। उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर सकते हो कि भाई जितना भी काम होगा 50% मेरा है, 50% तेरा है, राइट। तो ये तरीके से भी आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसमें आप लोगों को वो बंदा ढूंढना है जिसको यहाँ पे, जिसके पास पैसे कम है और जिसको काम आता है, राइट। तो दोनों का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा प्लेसमेंट एजेंसीज। अभी ये भी जो काम है ना वो कुछ सालों से बहुत ही डिमांड में है। प्लेसमेंट एजेंसीज का मतलब है कि आप यहाँ पे लोगों को प्लेस करवाते हैं, यानी कि आप HR सॉल्यूशन या फिर HR एजेंसी भी इसको कह सकते हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनमें लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसमें आप लोगों को प्लेस करवा सकते हैं, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे जो जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कैसे यहाँ पे पता कराएंगे, राइट। वो आप जो है इंटरनेट की मदद से पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप उन लोगों को सही कंपनी में कैसे प्लेस करवाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे कंपनी से जो HR होते हैं कंपनी के उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो काम है दोस्तों शायद ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ना चले, सिर्फ यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन या टायर 1 सिटीज़ है वहाँ पर ही चलेगा। बट ये भी एक जीरो इन्वेस्टमेंट का काम है, इसमें आपको सिर्फ नेटवर्किंग चाहिए और आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट जो हमारे नंबर का काम है वो है ऑनलाइन काम। ऑनलाइन काम मैंने बहुत बार बताया हुआ है जिसमें ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। तो ये भी काम दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। इसको करने के लिए आप हमारे चैनल पर जो बाकी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप काम करेंगे तो इन सारे कामों से जरूर प्रॉफिट होगा। रोना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, काम करना शुरू करो, जरूर यहां पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन अर्निंग, इसके अलावा एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप हमारा चैनल चेक करना ना भूले। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।